हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैथ की कॉपी कैसे लिखी जाती है, मैथ में अगर कोई सवाल ना आए तो आप कैसे लगाएंगे, और सवाल लगाने का सही तरीका क्या होता है कि आपको 100 में 100 नंबर मिले। देखिए, अगर आपका कोई भी पूर्णांक होगा, अगर आप सभी सवाल को सही से और अच्छे तरीके से लगाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें हैंडराइटिंग पे नंबर नहीं कटता, और विषय में हैंडराइटिंग पे नंबर कट जाता है, लेकिन मैथ ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आपने सही सवाल को सही से और सही तरीके से लगाया तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो में सवाल को सही से लगाने का तरीका क्या होता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम कॉपी पे लिखकर आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह से एग्जाम में कॉपी देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो किनारे लाइन खींचनी होती है उसको आप अच्छे तरीके से खींच, इस तरह से आप लाइन को खींच सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे किनारे साइड में भी आप लाइन को खींच दीजिएगा। आपको हल्की पेंसिल से खींचनी है, बस आपको पता चले कि आपने यहाँ पे लाइन खींची, बस इतनी ही पता होनी चाहिए आपको। क्योंकि देखिए, अगर आप सवाल लगाते हैं तो आपका सवाल ज़्यादा इधर ना जाए, बस बीचों बीच में रहे, इससे सवाल देखने में अच्छा भी लगेगा और पूरा नंबर मिल सकता है आपको। इस तरह से आप लाइन खींचने का मतलब यही होता है कि जो आप लिखें वो बराबर में रहे, बीच में रहे और किनारे ज़्यादा ना जाए, बस आप इसको हल्की लाइन में खींचिएगा। बस हम आपको बताने के लिए यहाँ पे इस तरह से खींच दिए हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से खींचिएगा, इसको थोड़ा हल्की से खींचिएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपका जो भी प्रश्नोत्तर होगा, जैसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा, तो सबसे पहले ऊपर आपको लिख देना दीर्घ उत्तरी प्रश्न, खंड बा खा जो भी होगा। अब देखिए, हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आपको देखिए ध्यान देना है कि कॉपी के बीचों बीच, बहुत लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नोत्तर, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कॉपी के बीचों बीच प्रश्नोत्तर नंबर डाल के लिखना है। अब यहाँ पे हम देखिए डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, आप यहां पे उत्तर नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, बस टीचर को पता हो जाए कि आपने कौन सा किया है। हम यहां पे लिख देते हैं प्रश्नोत्तर, तो देखिए हमारा प्रश्नोत्तर यहां पे पहला है, तो हम यहां पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर वन। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आप देखिए आप मैथ का सवाल लगाने जा रहे हैं, अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं हल या सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, आप हिंदी इंग्लिश कोई भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दीजिएगा। यहाँ पे हम हिंदी में हल लिख देते हैं, इस तरह से आपको लिख देना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, सवाल में जो भी दिया गया, जैसे कुछ भी दिया गया हो, ए एक्स का मान, वाई का मान, कुछ भी दिया गया, आयु, पिता की आयु, माता की आयु इतनी दी गई है, तो इसका बताइए, तो इस तरह से आपको हिंदी में पहले लिख देना जो भी दिया होगा, नीले पेन से लिखिएगा। इस तरह से आप लिखेंगे, थोड़ा सा आपकी कॉपी भी भर जाएगी, अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा तो इस तरह से आप लिख देंगे, और बाकी थोड़ा सा कुछ लगा उगा देंगे तो हो जाएगा आपका सवाल, और कुछ गलत आंसर लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, समीकरण 4x plus y equal to 4 और 3x minus y equal to 10, तब x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हो तो देखिए हम कॉपी पे कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया समीकरण, या भी लिख जो भी लिख सकते हैं, दिया गया है ऐसे लिख सकते हैं, दिया गया है, दिया गया है लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे हमारा क्या दिया गया है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया गया है, इसको हम मान लेंगे हमारा पहला समीकरण है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा दिया गया, आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तब भी देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर सट जाता आपस में तो पता नहीं चलता क्या लिखा गया, इसलिए आप एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, पेज आपकी कॉपी में बहुत रहता है, आपको बी कॉपी भी मिल जाएगी, इसलिए आप अच्छी हैंड राइटिंग में सवाल को लगाइएगा। अब यहाँ पे हमारा हो जाता है प्रश्नोत्तर, ए इक्वेशन हमारा दूसरा हो जाता है। अब देखिए, अब आपको क्या ज्ञात करना है, यक्स, तो इस तरह से आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और कामा करके वाई क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इस तरह से आपको लगा देना। इसके बाद आप सवाल को लगाना स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से। अब देखिए 4x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है, इस तरह से आपको लिख करके अच्छी हैंडराइटिंग में सवाल को लगाना है। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे सवाल को लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे एक कट जाएगा, प्लस माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7x इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 14,
तो यहाँ पर हमारा जो x का मान आएगा x इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरह से आपको चिन्ह को लगा देना, इसका मतलब होगा कि x का जो मान है वो 2 है। इस तरह से आपको इस चिन्ह को लगाकर सवाल को लगाइएगा। अब देखिए x का मान हम किस में रखेंगे, तो देखिए x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो आप अच्छी हैंड राइटिंग में यहाँ पर इस तरह से लगा करके x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए हमारा जो भी समीकरण दो में हम रख रहे हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब देखिए x का मान यहाँ पे आप रखेंगे तो 3 गुणे 2 हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 10। अब हम देखिए 3 इसका गुणा करेंगे और जो आएगा इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे निकालेंगे y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4, लेकिन ये वाला माइनस इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 4। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने x और y का मान निकाल लिया है। अगर आपका कोई भी आंसर आता है तो आप उसको अच्छे से इस तरह से कर दीजिएगा बॉक्स में। हमारा देखिए दूसरा आंसर आया है, इस तरह से आपको कर देना है। अब देखिए आपको ध्यान देना है कि आपको इस तरह से ये जो इस चिन्ह का है इसको आपको लगा देना है हर लाइन में, हर नई लाइन जो आपकी होगी इस तरह से आपको लगा देना है। अब देखिए आपका आंसर जब आ गया तो आपको अच्छे स्केच पेन से आंसर डालना है, ANSWER पूरा आंसर आपको लिखना है। आंसर डैश करके यहाँ पे x इक्वल टू जो आया है आपको लिख देना 2, और y इक्वल टू आया है तो आपका जो -4, इस तरह से आपको लिख देना है। अगर फ्रेंड्स आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसलिए आप ऐसे ही क्वेश्चन को लगाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तब आप उसको कैसे लगाएंगे, आप देखिए बस इतना करिएगा, इतना आप लिख देंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन को लिखिएगा, ऐसे दोबारा करके लिखिएगा, उसमें कुछ करिएगा गलत सही जो भी आए, इसके बाद उसका गलत आंसर आप अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आ रहा कुछ भी आंसर डाल के इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से बना देना है। बस अगर टीचर देखेगा तो सोचेगा आपने कुछ तो किया, सवाल भले गलत आंसर आपने लिख दिया है लेकिन आपको कुछ भी नंबर दे सकता है। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे, पूरा सवाल ही छोड़ देंगे, तो आपको 0 नंबर मिलेगा और आप फेल भी हो जाएंगे अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आप नहीं करेंगे सवाल। तो आप देखिए सवाल को लगाइएगा गलत सही जो भी समझ में आए, अगर प्रूफ करने वाला सवाल होगा तो लास्ट में ले जाकर ऐसे लिखिएगा प्रूव्ड कर दीजिएगा लास्ट में लिख के, लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से लिख के, राइट हैंड साइड के जो सवाल आते हैं इस तरह से आपको लिख के प्रूव कर देना है। ऐसे नीचे नीचे जो भी ऐसे सवाल आते हैं इनको आपको ऐसे लिख देंगे तो टीचर लगेगा हाँ आपने कुछ सवाल को लगाया। अगर आपने बीच में गलत भी कर दिया है और लास्ट में आप इस तरह से प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जो सवाल आते हैं उसको ऐसे लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल सकता है अगर टीचर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि इसमें आंसर आता नहीं है, इसमें सिर्फ प्रूव्ड करना रहता है। तो आपने नीचे प्रूव्ड लिखा है यार और बीच में कुछ गलत कर देंगे तो भी नंबर मिल सकता है। अगर इस तरह से आप कहां पे लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में।